बाबा तो कमाल कर रहा है, कैसे अपने बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए बाबा ने हम सबको गोल्डन चांस दिया और उस चांस का चारों तरफ से भी बहुत अच्छा फायदा भी ले रहे हैं। जहाँ जहाँ भी समाचार मिल रहे हैं, अधिकतर बहनों ने मन का मुख का मौन रख कर के अच्छी तपस्या की है। और मुझे तो कभी कभी ऐसे अनुभव होता है कि मान लो आज बाबा के 50,000 समर्पित बाल ब्रह्मचारी बहनें, उसमें से 10,000 भी अच्छी तपस्या कर रही हूँ, तो क्या ये विनाश ज्वाला प्रज्वलित नहीं होगी? जब बाबा ने यज्ञ रचा, कई बार कहते थे बच्चों की स्थिति के लिए बाबा समाचार सुनता है। साकार बाबा के पास एक रेडियो था और रेडियो में बाबा न्यूज़ सुनते थे, तो जब कोई हलचल की न्यूज़ इधर उधर की मिलती थी तो बाबा कहते थे अभी बच्चों की स्थिति बहुत अच्छी है। अच्छी स्थिति के कारण सब दुनिया परिवर्तन की तैयारी हो रही है। ड्रामा अनुसार इतनी सब पवित्र आत्माएं, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, चाहे हमारी समर्पित बहनें हैं, भाई हैं, सभी के अंदर बस एक ही लगन है, अभी तपस्या करनी है। और तपस्या के द्वारा अपने संस्कारों को भी परिवर्तन करना है और साथ साथ ऐसी पवित्र वॉइसलेस स्थिति बना लेनी है जो बाबा की टचिंग को हम कैच कर सकें। क्योंकि वर्तमान समय परिस्थितियों को देखते हुए ऐसे लगता है, अचानक का पाठ तो हम सब ने बहुत समय से पढ़ा है और अचानक के पाठ के लिए बाबा ने यही कहा, बच्चे एवर रेडी रहो, कुछ भी हो सकता है। और इसके लिए एवर रेडी बनने के लिए भी एक शब्द दिया, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। जब बहुत काल का अभ्यास होगा तो एवर रेडी बन सकेंगे। आप तैयार रहो, बाबा को जो आपसे सेवा करानी होगी कराएगी। एक तरफ अभी एक सीन जो रुकी हुई है, रही हुई है, वो है बाबा की जय जयकार प्रत्यक्षता। हम सब जानते हैं जब तक प्रत्यक्षता नहीं हुई है तब तक परिवर्तन नहीं होगा। है तैयारियां फुल फोर्स की हैं, सब प्रकार से हम सब देख रहे हैं, समाचार सुन रहे हैं, बच्चों को भी बाबा तैयार कर रहे हैं और साथ साथ प्रकृति भी अपनी चारों तरफ से हलचल मचाए हुए है। लोग भी एक दूसरे से डिस्टर्ब होते जा रहे हैं, तनावग्रस्त होते जा रहे हैं। कब किसके अंदर क्रोध की ज्वाला प्रज्वलित होगी, क्योंकि बाबा कहते हैं महाविनाश व्यक्ति नहीं करेंगे लेकिन क्रोध करेगा, विकार करेंगे। तो अब उसकी भी तैयारियां दिखाई दे रही हैं। एक देश दूसरे देश को धमकी देता है, आंख दिखाता है। तो बाबा कहता है ये सब अचानक होना है और इसके लिए हम बच्चों को बाबा तैयार करने का ये समय देते हैं। तैयार हो जाओ बच्चे, एवर रेडी हो, बहुत काल से अभ्यास करो। क्या हम करें? बहुत अच्छा हमें टॉपिक दिया कि अंतिम पेपर की हम क्या तैयारी करें। हम सब जानते हैं पेपर भी अनाउंस हुआ है और उसका समय भी अनाउंस हुआ है। पेपर एक सेकेंड में है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। कहीं पर भी कोई भी रुकावट, मोह ममता की रस्सी मुझ आत्मा को अपने आकर्षण में बांध ले। हम सब केवल बाबा को ही याद नहीं कर रहे इस समय, लेकिन अपनी बहुत सूक्ष्म चेकिंग कर रहे हैं और उस चेकिंग में हम अपने आप को देखते हैं। जैसे हमारी दादी जी देखती थी, कई बार मैंने क्लासेज में बताया है, एक दिन मैं दादी के पास गया और दादी
प्रकाश मणि की बात सुनाता हूँ। दादी प्रकाश मणि जी कमरे में यहीं शांतिवन में बैठी थी, आंख बंद करके ऐसे अकेले बैठी थी, और मैं अचानक गया तो दादी ने आंख नहीं खोली, अकेले बैठी थी ऐसे बिल्कुल एकदम जैसे खोई हुई हैं कहीं। तो मैं भी सामने सोफे पर उनके साथ ही बैठ गया, जा करके बैठा, तभी भी उन्होंने नहीं देखा मुझे। तो फिर मैंने ऐसे हाथ पर हाथ रखा, मैं दादी दादी, तो एक दो बार जब हाथ हिलाया तो मेरी तरफ आँख खोल करके देखने लगी, बहुत प्यार से देखा, मुस्कराई। दादी आप क्या कर रही थी आँख बंद करके, कहाँ थी आप? मैं आया हलचल की, इतनी देर से बैठा हूँ, आपने मेरी तरफ देखा ही नहीं। तो दादी ने सुना और सुन करके मुस्करा के बोलती है, बताऊँ क्या कर रही थी? हाँ दादी बताओ क्या कर रही थी। कहती है मैं ऐसे आँख बंद करके बैठी थी और मैं अपने डायमंड को, आत्मा जो डायमंड है ना, बाबा कहता है डायमंड में कौन कौन से दाग हैं उसको देखना चाहिए, तो मैं अपने डायमंड को ऐसे हाथ किया, इस हथेली पर सामने रख करके, और अपने तीसरे नेत्र से देख रही थी, इस डायमंड में कोई दाग तो कहीं छिपा हुआ तो नहीं है। और जब मैंने चारों तरफ से देखा तो सामने बाबा दिखाई देने लगे। बाबा कहता बच्ची ये डायमंड तो बिल्कुल प्योर शुद्ध बहुत वैल्यूबल है, इसमें कोई दाग नहीं है। ऐसे बाबा रूह रियान कर रहा था, और मैं बाबा को देख रही थी, बाबा मुझे देख रहा था, और मैं हीरे पर भी नजर रख रही थी, आत्मा रूपी हीरे को देख रही थी। तो ऐसे लगा कि जैसे दादी अभी कर्मातीत स्थिति के बहुत समीप पहुंच गई है, कोई दाग ही नहीं है, तो दाग नहीं रहेगा तो क्या होगा, कर्मातीत ही बन जाएंगे। तो मैं तो सुन करके ऐसे थोड़ा सा संकल्प आया, क्या दादी हम सबके बीच से चली जाएंगी, क्योंकि उसी समय मेरा विदेश जाने का प्रोग्राम चल रहा था और मुझे अमेरिका लंदन की तरफ जाना था। तो दादी से उसी के पहले ही मैंने बात की थी, तो भी मैं जाते जाते बोला दादी मैं जाऊंगा, मैं आपसे छुट्टी लेके जाता हूँ, और मैं जब तक आऊँगा नहीं तब तक कुछ होना नहीं चाहिए। अंदर अंदर बोला कुछ नहीं, अंदर से संकल्प था। और वही दिन था जब मेरी डेट वहाँ से वापस आने की थी 20 अगस्त को, दादी जी एकदम कोमा में चली गई और डॉक्टर्स ने उनको अहमदाबाद में जवाब दिया, और मैं लंदन से उसी समय अहमदाबाद पहुँचा करके बॉम्बे आया, बॉम्बे से अहमदाबाद आया, दादी की गाड़ी आगे आगे वापस आई और मैं पीछे पीछे। और मुझे पूरा आभास था कि अभी तो खेल पूरा हो रहा है। 5 दिन तक हम लोगों ने योग किया, दादी के कमरे में बैठ करके घंटों योग करते थे जाके। और जिस दिन दादी छुट्टी लेने वाली थी उस दिन पता नहीं क्या हुआ, हम लोगों ने गाड़ी निकाली, हम माउंट आबू होके आते हैं, बहुत दिन से विदेश गए, वापस गए नहीं थे ऊपर। जो गाड़ी बाहर गेट से निकली फोन आ गया कि आप लोग वापस आ जाओ, कहाँ हो, दादी के पास आओ। और मैं दादी के पास गया, देखा सब लोग खड़े हैं चारों तरफ से दादी को घेर करके देख रहे थे, हम लोग भी खड़े हो गए, हमने भी देखा लास्ट दृश्य कैसे दादी ऐसे उड़ी शरीर से निकली। तो जितनी मशीनें लगी थी ना ऑक्सीजन की, वो सब पैरामीटर्स जीरो में चले गए। तो सबने बोला तो दादी ने छुट्टी ले ली गई, लेकिन 2 मिनट के बाद फिर से उन पैरामीटर चालू हो गए। तो हमारे गुप्ता जी वगैरह सब थे, उन्होंने कहा अरे दादी तो वापस आ गई, वापस आ गई। एक लहर होती ना, खुशी की लहर छा जाती। और फिर 2-3 मिनट रही ऐसे, दृष्टि ऐसे खोली आँख, फिर ऐसे चले गई। वो दृश्य मुझे भूलता नहीं है कि कैसे दादी हम बच्चों को प्रेरणा दे करके गई कि देखते हुए भी नहीं, इतना बड़ा सेवाओं की जवाबदारी, इतना बड़ा यज्ञ, इतनी सब कारोबार, सबको देखते हुए भी नहीं देखा, सिर्फ एक ही धुन लगा दी, कर्मातीत बनना है, कर्मातीत बनना है। और ऐसे ही आंख बंद की और बाबा की गोदी में चली गई। दीदी को भी ऐसे देखा,
दीदी हम लोगों से जब छुट्टी लेके गई थी, मैंने आंगन में दीदी को छुट्टी दी, क्योंकि इन दीदियों से दादियों से मुझे बहुत पालना मिली। जब दीदी के पास कोई समाचार लेके जाते थे, कोई पत्र बताते थे, दीदी कहती थी छोड़ो इन बातों को, घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। लेकिन ऐसे घर चली जाएगी ये कोई को पता नहीं था। मालूम होगा आप लोगों को, दीदी अमृत वेले योग कराती थी रोज, और एक दिन अचानक थोड़ा सा 4 बजे जब बाथरूम में गई, फ्रेश हो रही थी, फ्रेश हो के थोड़ा सा ऐसे दीवार से टकरा गई, टकराई तो यहाँ पर ब्लड निकला। योग में आने में लेट हुआ, दादी को पता चला कुछ हुआ है, तो दीदी से मिलने आई, कहा क्या हुआ दीदी, बोला थोड़ी चोट लग गई। तो सबको ये शक पड़ा कि उम्र बड़ी हो रही है, शायद आंखों की रोशनी कम हुई है, दिखा नहीं होगा, इसलिए चोट लगी, चलो चेक करा दो। और चेकिंग कराने के लिए बॉम्बे गई, चेकिंग कराते कराते डॉक्टर्स ने देखा कि आंखें तो ठीक हैं, लेकिन आंखों के पास जो ब्लड की नसें हैं सूक्ष्म, उन नसों के द्वारा ब्लड नहीं पहुंच रहा है, और उसका कारण एक छोटी सी गांठ है ब्रेन में। डॉक्टर्स ने बोला कि कोई छोटी सी गांठ है, इसको निकालेंगे और दीदी ठीक हो जाएंगी, आंखें भी ठीक, दीदी भी ठीक हो जाएंगी। सबने कहा हो जाएंगी तो ठीक है, कर दो ऑपरेशन। लेकिन ड्रामा बड़ा वंडरफुल था कि दीदी विदाई लेते समय, जब दीदी को हॉस्पिटल जाना था, बाबा आ गए बॉम्बे में, अव्यक्त बाबा है, और बाबा ने दीदी को विदाई दिया, छुट्टी दिया बहुत प्यार से। और ऐसे सीन थी, कहते हैं दीदी एक तरफ, दादी एक तरफ, गुलजार दादी के तन में बाबा आए और वहाँ पर उनको ऐसे छुट्टी दी, विदाई दी, और दीदी सबसे जैसे न्यारी प्यारी उपराम होकर के गई। और वो ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद फिर कॉन्शियस में नहीं आई, कुछ दिन के बाद पुराने शरीर को छोड़ा। उधर शरीर छोड़ रही थी, और इधर गुरुवार का दिन था, 8:30 बजे भोग लगा, और भोग हमारी उस समय अचल बन गई थी, मधुबन में शांतिवन ऊपर ओम शांति भवन में भोग लग रहा था। तो वो भोग लगाने गई, और भोग लगा करके जब वापस आई तो रोने लगी, संदेश सुनाने की बजाय रोए, आंसू बहाए। तो सबने कहा क्या हुआ, क्या क्या बाबा ने दिखाया तुमको? तो रोते रोते ऐसे 2 शब्दों में सुनाया कि आज ऐसे लग रहा था जैसे बहुत सारे लोगों के हाथों में मालाएं थी, और बाबा कह रहा था बच्ची स्वागत करो, दीदी के ऊपर जैसे सब मालाएं डाल रहे हैं। तो उसको लगा कि दीदी ने शरीर छोड़ दिया, इधर वो संदेश सुना रही है, उधर वो आत्मा विदाई ले रही है। 9 बजे वहां से मैसेज आ गया, दीदी ने शरीर छोड़ दिया। बहुत वंडरफुल दृश्य थे, मैं आपको वो दृश्य अभी नहीं सुना रहा हूं, लेकिन कहना चाहता हूं कि अंतिम पेपर के लिए इन लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी की थी, अंतिम पेपर में पास हो गई। एक बाबा, दूसरा न कोई, कहीं कोई रस्सी ने खींचा नहीं। जैसे बाबा ने अपने अनुभव सुनाए हैं साकार ब्रह्मा बाबा ने, वही अनुभव इन दादियों ने किए। त्रिमूर्ति दादियां हमारी आंखों के सामने गई, हमने दादी जानकी जी को भी अच्छी तरह से देखा लास्ट में, दीदी, दादी प्रकाशमणि, वंडरफुल के पार्ट थे। और ऐसा पार्ट बजाया, ऐसा पुरुषार्थ किया, जो बाबा कहता ना आत्मा ऐसे निकलती है जैसे मक्खन से बाल निकल जाता है। एक बाबा, दूसरा न कोई, इन आत्माओं को कोई देहधारी की याद नहीं आई, जबकि सबसे ज़्यादा कारोबार, सबसे ज़्यादा जवाबदारियाँ, सबका प्यार, सबका स्नेह, इतना सब होते हुए भी कोई आत्मा ने लास्ट में खींच नहीं पाई, आकर्षण नहीं हुई। तो बहुत काल का अभ्यास अंतिम पेपर में अंतमति सो गति कराता है, और हमारे सामने उदाहरण दादियां रही हैं, अंतमति सो गति, अंत में केवल एक बाबा, दूसरा न कोई। अब इसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए।
अगर जरा भी कहीं देह में, संबंधों में, वस्तुओं में, किसी में भी आकर्षण है, खींच रही हैं आत्माएं, तो अंत समय में भी वही याद आएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत काल से इस देह से डिटैच रहने का अभ्यास करो। देही मन स्थिति जितनी बन जाएगी, इस शरीर से मैं आत्मा बिल्कुल भिन्न अलग हूँ, एक चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। रोज साकार बाबा की मुरलियों में ये पाठ हम सबको पढ़ने को मिलता है, आज भी यही पाठ पढ़ाया, देही अभिमानी बन जाओ बच्चे, बाबा की याद में एकदम शरीर से न्यारे हो जाओ। ये सब अभ्यास जो बाबा ने किए हैं, ब्रह्मा बाबा ने, हमारी दादियों ने उनको फॉलो किया, और हम सबको भी ऐसा ही अभ्यास अभी चाहिए कि कोई भी कर्म इंद्रिय का रस देखने का, सुनने का, बोलने का, खाने का, बहुत सारी चीजें इकट्ठी करने का, कोई भी रस अब आत्मा को आकर्षित ना करे। नीरस नहीं है जीवन, बहुत सारे आंतरिक रस हैं, अति इंद्रिय सुख की अनुभूतियां हैं, उसकी अनुभूतियां करो, क्योंकि वस्तुओं में, इन पदार्थों में, इंद्रिय रस में तो क्षणिक सुख है। हम सबको आंतरिक सुख का अनुभव करना है, अंदर से एकदम जैसे अंतर्मुखी हो गए, अंदर चले गए। दादी जानकी का एक वंडरफुल शब्द था, मैं कभी कभी नोट करता था, कहती थी सूक्ष्म वतन में जाना, वो तो बाबा का ऊपर है, लेकिन हमारे अंदर का जो सूक्ष्म वतन है वहां जाने का अभ्यास करो। कहते दादी अंदर भी सूक्ष्म वतन है क्या? अरे बोलती सूक्ष्म में जाना, अंदर चले जाओ, बहुत डीप चले जाओ, सूक्ष्म में चले जाओ, मैं जो हूं, जैसा हूं, अपने आप को देखो, अपने को परखो, बस कोई नहीं। कई बार हमारी जो देखने की नजर है ना, दूसरों पर फट से चली जाती, मुरली चलती है, मुरली में कोई पॉइंट आती है, फलाने के लिए बहुत अच्छी बात आज बाबा ने, इसके लिए बहुत अच्छी शिक्षा दी, मेरे लिए है, शायद ही कोई की बुद्धि में आता हो, ये जो बात कही बाबा ने आज मेरे लिए कही है, और मेरे लिए अगर कही है तो मुझे करना ही है, कुछ भी हो जाए, दृढ़ता का संकल्प कर ले कि मुझे करना ही है, मुझे बनना है, दूसरा बने या ना बने। ऐसा नहीं सोच लेना कि बाबा ने पेपर की डेट भी बताई, टाइम भी बताया, पेपर भी बताया, और कहा है बच्चे पास होने वाले तो आठ ही हैं। कई लोग ये भी सोच के अलबेलेपन की नींद में चले जाते। बाबा कहता है बच्चे तुम अलबेले नहीं बनो, चेयर रेस है, रेस हो, और रेस करते करते अगर ज़्यादा पास हो जाएंगे तो मैं विजय माला की लड़ियों को बढ़ा दूंगा। हम सब बाबा के बच्चे पुरुषार्थ में अलबेलापन न लाए, बहुत अलर्ट होकर के इस देह से अलग होने का सबसे अच्छा पुरुषार्थ है, मेहनत इसी में ही है, क्योंकि बहुत काल से देह विमान में हम सब रहे हैं, और इस अंतिम जन्म में थोड़े समय के लिए एकदम अशरीरी बन जाएं, विदेही बन जाएं, देह और देह की दुनिया भूल जाए, संबंध से एकदम न्यारे हो जाएं। मैं एक चिंतन कर रहा था, बताता हूँ आपको, जब ये आत्मनिर्भर की बात चल रही थी, हमारी सरकार चाहती है हमारे देशवासी आत्मनिर्भर बने, पता नहीं मेरा क्या संकल्प चला कि लोग चाहते हैं कि दूसरे देशों की जो चीज़ें यूज कर रहे हैं, दूसरे चीज़ों पर जो हम आधारित हैं, वो हम न लें, हम अपने घर में पैदा करें, सब घर में बनाएं, मेड इन इंडिया सब हो, हम इसमें आत्मनिर्भर बन जाएं। पता मेरा क्या चिंतन चला, आत्मा जब परम धाम घर से इस सृष्टि पर आई तो पहले तो देह पर निर्भर हो गई, देह के बिना तो कुछ नहीं कर सकती, और देह भी संबंधों के आधार से मिली, संबंधों पर भी निर्भर हुए, माँ मिली, बाप मिला, परिवार मिला, सब मिले, पालना दिया उन्होंने, तो आत्मा पहले देह पर निर्भर हुई, फिर संबंधों पर निर्भर हुई, फिर प्रकृति के पांचों तत्वों पर भी निर्भर हो गई। अगर एक भी तत्व नीचे ऊपर करता है तो देखो आज कितनी बीमारियां आ जाती। निर्भर हैं हम सब, हम आत्मनिर्भर कहाँ हैं? लेकिन वो निर्भरता अधीनता नहीं थी, अधिकार था।
आत्मा मालिक थी, सतो प्रधान होने के कारण न उसको देह ने बांधा, न संबंधों ने बांधा, न प्रकृति ने बांधा, उसकी सेवक के रूप में, सहायक के रूप में रहे, और इसलिए वहाँ पर हम सब सुखी संपन्न थे, आत्मनिर्भर थे, आत्म अधीन नहीं थे, किसी के अधीन नहीं थी आत्मा, अधिकारी स्थिति में थी। हम सब अभी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो है अधिकारीपन का अभ्यास। निर्भर तो हैं क्योंकि इसके बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। कोई कहे हम तो शरीर पर ध्यान ही नहीं देंगे, समय पर खिलाएंगे नहीं, समय पर सुलाएंगे नहीं, समय पर इसको हम जो चाहिए वो देंगे नहीं, हमको तो बस आत्मा से ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान, वही पर दिन रात पक्का करना। बाबा कहते ठीक है, ज्ञान तो है लेकिन जोश में होश भी चाहिए। ऐसे नहीं कोई बैठ जाए कहे हम तो रात भर योग करेंगे, कई कई इतना जोश में आए हुए हैं 1 बजे उठेंगे, दिन में भी रेस्ट नहीं मिलेगी, कब तक? मैं कहता हूँ कब तक ये सब करोगे, हट नहीं है हमारा। बाबा ने हम सबकी योगी जीवन जरूर बनाई है, लेकिन योगी जीवन है, योग के लिए हट क्रियाएं नहीं है। हम सब अपनी स्थिति बना रहे हैं और अपनी बहुत सूक्ष्म चेकिंग कर रहे हैं, जहाँ जहाँ भी हमारी लीकेज हैं, हर एक को अपनी सूक्ष्म लीकेज को चेक करना है। कहते हैं ना अंतिम पुरुषार्थ, अंतिम पेपर के लिए हम क्या तैयारी करें, हम कहते हैं कोई भी लीकेज को बंद कर दो। संकल्पों में बहुत सारी लीकेज है व्यर्थ की, जो चीज़ देख लेते हैं क्या क्यों कैसे इधर उधर के कई प्रश्न मन के अंदर उठ जाते हैं, मन के अंदर हमारी जो आंतरिक एनर्जी है वो नष्ट हो रही है अंदर ही अंदर। एक तरफ हम जमा कर रहे हैं अच्छा पुरुषार्थ करके, योग करके, और दूसरे तरफ व्यर्थ की लीकेज, सारी शक्तियों को ऐसे ही गंवा रहे हैं। बाबा कहते तबियत को बचाओ, वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तन करो। तो हम सब को, विशेष करके हम सब समर्पित बच्चों को, वर्तमान समय अब इतना समर्थ और इतना शक्तिशाली स्वयं को बना लेना है, भरपूर कर लेना है। जो अभी बात सुन रहे थे कि लंगड़ लगेगा, चारों आत्माएं आएंगी आपकी दृष्टि से, आपके दो बोल से तृप्त होंगी, संतुष्ट होंगी, तो क्या हमारे पास इतनी शक्तियां जमा हैं? हम सब चेक करें, और जमा की हुई शक्तियों को पहले खुद चेक करके ट्रायल करें। वो नशा है, वो निश्चय है, किसी भी पेपर में हम हिलेंगे तो नहीं, हमारी स्थिति इतनी अचल अडोल एक रस बनी है, इतनी वॉइसलेस बुद्धि है, जो बाबा कहे और हम कर लें, अमृत वेले बैठते हैं 1 सेकंड बाबा के पास पहुंच जाएं, हलचल ना हो, बहुत महीन चेकिंग है। वतन में जाना पड़े, सूक्ष्म वतन में जाना पड़ेगा, अंदर के वतन में जाना पड़ेगा। कईयों को तो अपनी छोटी छोटी कमियां जो हैं दूसरों को दिखाई देती हैं, दूसरे उसको नोट करते हैं, लेकिन उसको खुद को पता नहीं चलती। चल रहे हैं ठीक है, सब करते हैं, मैं भी कर रही हूँ, ये भी ऐसे वो भी ऐसे। बाबा कहते बच्चे तुम किसी से अब भेंट नहीं करो, खुद को देखो, खुद को देखो, खुदा को देखो। अगर हम खुद को देखें बहुत महीन से, अभी जरूरत है केवल एकांतवासी बनने की। एकांतवासी माना ऐसे नहीं है कि हमको बिल्कुल परिवार छोड़ करके अलग गुफा में कोई बैठ जाना है, परिवार है, सब साथी हैं, सबके बीच में है, लेकिन इसका बहुत गहरा अर्थ है एक के अंत में चले जाना, एक की याद में समा जाना, एकांतवासी बन जाओ। और दूसरा अंतर्मुखी, एकदम अंदर चले जाओ, अपने स्वरूप को देखो, अपनी प्योरिटी की स्टेज को देखो। कई बार जब हम सबके बीच में आते हैं तो हमें अपने वाणी पर ध्यान देना पड़ता है, कोई ऐसी वाणी ऐसा शब्द न निकले जो कोई आत्मा घायल हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए। संबंध में आते अपनी वाणी पर बहुत ध्यान चाहिए, और जब हम अकेले में जाते हैं, एकांत में होते हैं, तो अपनी वृत्तियों पर, अपने संकल्पों पर बहुत ध्यान चाहिए। जो कुछ कमी और कमजोरी होती है अकेले में जाने के बाद पता चलती है अंदर अंदर,
परेशान करती है कई बार, उसको चेंज करना, उसके लिए तपस्या करना कि वो जो हमारा संस्कार अकेले में निकल रहा है सबके बीच में, तो हम छिपा लेते हैं, चला लेते हैं, लेकिन हम अपने आप से छिप नहीं पाते हैं। हम सबको अपने आप को चेक करना चाहिए, वो जो स्थिति है क्या हम सचमुच उस स्थिति को महसूस करके उसको परिवर्तन करने की तपस्या करते हैं। अंदर जाओ, देखो। अभी पहला गहरा पुरुषार्थ ये है कि हमारे संकल्पों की क्वालिटी जो बाबा कहता है बहुत प्योर, शुद्ध, सकारात्मक हो, और जो बहुत शुद्ध होती है, पॉजिटिव होती है, अच्छी चीज होती है, वो बहुत कम होती है, उसका विस्तार नहीं होता, वो बहुत बड़े रूप में नहीं होती। अगर संकल्प बहुत अच्छी क्वालिटी वाले हैं तो बहुत सीमित होंगे, बहुत धैर्यवत होंगे, उनको हम ब्रेक लगा सकेंगे, उनको हम मोड़ सकेंगे, उनको हम कहीं ले जा सकेंगे। हम सबको एकांत में बैठ करके अपने संकल्प की गति पर ध्यान देना है। मैं तो कभी कभी क्या करता हूँ, आधा घंटा पौना घंटा सबसे अलग होके जगह पर चला जाता हूँ, बैठ जाता हूँ। मनसा सेवा करनी है सबके संगठन के बीच में, तो थोड़ा सा कोई हिलेगा, उठेगा, कोई बैठेगा, और जा करके बस अपने आप को मैं ऐसे देखता हूँ, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बाबा मुझे जैसा बनाना चाहता है, मैं कहाँ तक बना हूँ, मुझे इतनी बाबा की पालना मिली है, इतनी पढ़ाई मिली है, इतनी मुरलियों की स्टडी की है, क्या सचमुच मैं वैसा बना हूँ जैसा बाबा चाहता है। चेक करें, और जब हम चेक करते हैं तो पता चलता है कि योग के समय कहाँ कहाँ बुद्धि खिंचती है, संस्कारों में जाती है, संबंधों में जाती है, कोई वस्तुओं में जाती है, कोई ने कभी कोई बात कह दी है वो मेरे अंदर लगी हुई है उसमें चली जाती है, कोई व्यक्ति के प्रभाव में आए हैं वो बहुत अच्छा लगता है उधर चली जाती है। अब बाबा कहता है बच्चे बैठो ऐसे, चेक करो, कोई भी रस्सी, कोई भी बंधन, कोई भी ममता मोह कहीं आकर्षित तो नहीं करता है। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, है रमणीक। कहते हैं एक बार एक बिजनेसमैन कलयुग की बातें सुनता था, कहते हैं कलयुग में राम का नाम लेने से मुक्ति मिल जाती है, अंत समय में अगर राम की याद आई, राम का नाम भी याद आ गया, भगवान का नाम भी याद आया, तो हमारी गति सदगति हो जाएगी। तो थोड़ा चतुर था, बिजनेस में था, तो उसके तीन बच्चे हुए और तीनों बच्चों का भगवान के देवताओं के नाम पर नामकरण कर दिया। एक का नाम उसने मोहन रखा, एक का राम रखा, एक का कृष्ण रखा, और ऐसे ही बुलाता था प्यार से कि ये देखो तीन बच्चे मरने के समय तो यही सामने होंगे, और जब इनको बुलाऊंगा, उनका नाम लूंगा, तो मेरी अंतमति सो गति हो जाएगी। और सचमुच जब ऐसा एक दिन आया, जब उसको शरीर छोड़ने का लगा, अभी मैं जा रहा हूं, तो उसने एक एक को बुलाना शुरू किया कि अभी तो राम कहाँ है, तो सामने आ गया, क्योंकि सब बच्चे आ गए, देखा बाबूजी जाने की लगता है त्याज जाएंगे, तो एक एक याद किया राम कहाँ है, बोला बाबूजी मैं यहीं बैठा हूँ, कृष्ण कहा है, उसने बोला मैं यहीं बैठा हूँ, मोहन कहा, उसने भी बोला मैं यहीं हूँ बाबूजी आपके सामने हूँ। अब तीनों बैठे थे, तीनों का नाम लिया, लेते लेते उसको अंदर से आया गुस्सा जोर से, कहता है तुम तीनों यहाँ बैठे हो तो दुकान में कौन है, और दुकान शब्द लेते ही उसके प्राण ऐसे निकल गए। भूतकाल से जहां पर बुद्धि लगी थी, अंत समय में राम सामने हो, कृष्ण सामने हो, मोहन सामने, सब सामने हैं, सबका नाम भी ले रहा है, लेकिन शरीर छोटे समय उसको बुद्धि में क्या आई, दुकान पर कौन है, क्या छोड़ के तुम लोग आ गए, और शरीर से आत्मा निकल गई। तो अंतमति सो गति क्या हुई, बाबा भी कहता है, कई बच्चे कहते हैं अंत में तो हम बाबा को याद करके एक बाबा के प्यार में खो जाएंगे, इसलिए कहा है बच्चे बहुत काल से अभ्यास करो तो अंत पेपर में पास होंगे।
बहुत काल से मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई, कोई कितना भी अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे धन के सहयोगी हैं, बुद्धिवान हैं, हर प्रकार से यज्ञ के बहुत नज़दीक हैं, समीप हैं, स्नेही हैं, बहनों की कदर करते हैं, मुरली से बहुत प्यार है, बाबा से प्यार है, बहुत अच्छा है। बाबा कहता सब विशेषताएं किसी आत्मा के अंदर हैं, विशेषता देखो जरूर लेकिन विशेषताओं पर प्रभावित नहीं हो जाओ। वो विशेषताएं देन है प्रभु की, भगवान ने दिया है उस आत्मा को, उसको देख करके भगवान की याद आए, वाह क्या बाबा ने इसको बनाया है, कितना अच्छा बनाया है। तो बनाने वाले की याद आएगी तो उस देहधारी की तरफ बुद्धि आकर्षित नहीं होगी। इसलिए वर्तमान समय हम सबको बहुत गहरा पुरुषार्थ करना है, ऊपर ऊपर का नहीं। हम साधारण योग तो चलते फिरते कितना समय से करते रहे हैं, अब ये जो समय मिला है ऐसे बैठो तपस्वी मूर्त होकर के अपने आप को देखो, अपने हीरे को जरूर देखो, सचमुच कोई इसमें दाग तो नहीं है, कहीं पर भी बुद्धि जाती तो नहीं है, क्योंकि बुद्धि 1 सेकेंड में जाती है, कहीं भी फट से भटक जाती है, वो चंचल है। हम सब इसको स्थिर एकाग्र कर लें, बाबा की शक्तियाँ आएंगी और अपने आप वो शक्तियाँ रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अगर मन बुद्धि बहुत एकाग्र है, स्थिर है, स्वच्छ है, पवित्र है, समय अनुसार बाबा की टचिंग भी आएगी, उसको हम कैच कर लेंगे, उसको हम प्रैक्टिकल करेंगे, क्योंकि बाबा कहता है 1 सेकेंड में पास और फेल होंगे, जरा भी हलचल में आ गए, जरा भी कोई देहधारी याद आ गया तो बुद्धि भटक जाएगी। इसलिए हम सबको अभ्यास करना है, इस समय के अनुसार हम सब बाबा के बच्चे समय मिला है अच्छे तपस्वी बने, अपने जो भी संस्कार हैं पुराने संस्कार हर एक के साथ हैं, कोई आत्मा परफेक्ट नहीं बनी है, हम उन संस्कारों को चेक करें, जो भी सूक्ष्म डिफेक्ट हैं चेक करो, और ऐसा योग करो जैसे ऊपर से कोई लेजर किरणें आती है ना, वो लेजर किरणें आई और यहाँ से बहुत कई गुना शक्ति से रिफ्लेक्ट हो गई, अपने संस्कारों पर डाल दो उन किरणों, धीरे धीरे वो संस्कार से लगेगा, कल तो मैं बड़ा चिड़चिड़ा था, कल तो मेरे अंदर ये विकार था, ये आज बड़ा शीतल काया वाला योगी बन गया। हर एक बाबा के बच्चे को वर्तमान समय अपनी हर इंद्रिय को शीतल, न जोश चाहिए, न आवेग चाहिए, न आवेश चाहिए, न आलस्य, न लीलापन, सबसे मुक्त होकर के करो तपस्या, और इतनी पवित्र बहने कन्याएं, समर्पित जीवन, वाह क्या बाबा ने सचमुच बनाई है, वंडरफुल है। जब मैं अपनी बहनों को देखता हूँ बहुत आता है, सचमुच बाबा ने कमाल किया है, संगम पर कितना गोल्डन चांस दिया है, अपनी छत्र छाया के अंदर अपनी गोद में बिठाया है, कोई चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं, सब चिंता करने वाला बैठा ऊपर, कोई कोई है जो चिंता ले लेते अपने ऊपर, बाबा कहता बच्चे तुम निश्चिंत हो जाओ, फरिश्ता स्थिति माना, दो चीजें उसके अंदर चाहिए, अंतिम स्थिति के अंदर दो ही बातें चाहिए, वही लास्ट स्टेज है फरिश्ता की, एक चाहिए बहुत निश्चिंतता, बिल्कुल कोई भी चिंता नहीं, कोई भी प्रकार का फिक्र फिक्रात नहीं, और दूसरी चाहिए बहुत अंदर शुभ भावनाएं, शुभ चिंतन, शुभ भावना संपन्न आत्मा। अगर शुभ भावनाओं से संपन्न है और बिल्कुल निश्चिंत स्थिति है तो क्या होगा, वो हल्का हो जाएगा, लाइट, और वो सेवा करेगा फरिश्ता। हम सब साकार में हैं, साकार में रहते हुए किसी भी प्रकार की चिंता नहीं, कोई चिंतन नहीं करना, बैठ जाओ बाबा, सब कुछ कराने वाला, करण करावनहार प्रभु लीला चल रही है। अब इस प्रभु लीला को देखो साक्षी दृष्टा के आसन पर बैठ करके, कभी भी मन के अंदर ये ना क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसने किया, उसने किया, कई प्रकार के समाचार सुन लेते हैं, फिर मन के अंदर चलते हैं, आत्मा को डिस्टर्ब करते हैं। हम सब ध्यान दें, सब होगा अति का, क्योंकि एक बार बाबा ने कहा था अंत के पहले अति होगी
अति के बाद अंत हो जाएगा और अंत के बाद आदि होगी। तो हर क्षेत्र में अति होगी। जिस आत्मा के कोई भी कर्म के हिसाब किताब रहे हुए हैं, या तो वो अपने योग की शक्ति से उनको चुक्तु कर ले, और योग अगर यथार्थ नहीं है, योग अगर करने के लिए उसके पास समय ही नहीं है, तो फिर किसी न किसी रूप में शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा, किसी न किसी पीड़ा के आधार से वो कर्म भोग चुक्त होगा और सब काती में जाएगा। अंत समय है, अति में ये बातें आएंगी। किसी को भी देख करके ये न उठे, अरे इसके साथ ऐसा हो रहा है, इसके साथ ऐसा हो रहा, क्यों हो रहा है, इसने तो बहुत अच्छी कमाई की है, बहुत अच्छी सेवाएं की हैं, तो बहुत नामी ग्रामी है, इसके साथ भी ऐसा पेपर आ गया, इसके पर भी आ गया। बाबा कहता, बच्चे तुमको कोई के पेपर को देख करके अपने को विचलित नहीं करना है। मुझे कैसे पेपर में पास होना है, मैं उसकी तैयारी करूं। जैसे पेपर होने वाले होते हैं ना, तैयारी के लिए समय देते हैं, कुछ एकांत का समय देते हैं, भाई जाओ तुम सब धंधा छोड़ो, बैठ जाओ। ऐसे हम सबको भी बाबा ने समय दिया है अपने आप को संपन्न संपूर्ण बाप समान कर्मातीत बनाने का, और इसकी तैयारी यही है कि हम देखते हुए भी न देखें, अपने आप को बहुत शुद्ध पवित्र वॉइसलेस बना लें, किसी के भी चिंतन में न जाएं, ये हुआ वो हुआ, जो कहे करेगा वो पाएगा। बाबा ने मुझे कहा, बच्चे तुम देखते हुए भी नहीं देखो, तुम्हारी बुद्धि नहीं जानी चाहिए, अगर कुछ गलत करेगा बाबा जाने, उसका हिसाब जाने। आत्माओं का हिसाब किताब बाबा के पास है, वो धर्मराज के रूप में अपना उसका खाता चुक तो करेगा। मुझे किसी के लिए धर्मराज नहीं बनना है, मैं तो बाबा का बच्चा हूं, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। हम सबको अंतिम पेपर में पास होने के लिए अपनी निर्दोष स्थिति बनानी है। किसी भी आत्मा का दोष, उसकी कमी, उसकी कमजोरी मैं ग्रहण न करूं, दिखाई भी न दे, सब अच्छे सब अच्छे सब अच्छे। क्योंकि बाबा ने हम सबको ये बहुत सुंदर मंत्र दिया है, बच्चे अच्छे अच्छा 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 कहते चलो, सब अच्छा हो जाएगा। इसलिए कभी भी कोई बात देखो सुनो, ऐसा हुआ वैसा हुआ, इसने किया उसने किया, समाचार तो आजकल ये सोशल मीडिया ने इतनी फास्ट फैलाना शुरू किया है, कहीं कुछ भी थोड़ा सा होता है सबके कानों तक बात पहुंच जाती है। कई लोग तो अपनी बुद्धि को बहुत स्थिर रखते हैं, अचल अडोल एक रस रहते हैं, और कई लोग फिर इधर पूछते हैं उधर पूछते हैं, फॉरवर्ड करते रहते हैं मैसेज, मेरे पास आया तुम्हारे पास आया, फिर उससे पूछेंगे, उसको बताएंगे, अरे क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्या रखा है इसमें, जो करेगा वो पाएगा। अगर गलत कोई कर रहा है तो हम गलती को उछालने वाले हैं। बड़ी अच्छी एक बात एक बार निकली थी, मान लो कोई आज किचड़ा है, कोई गंदगी कोई करके चला गया, हम जा रहे हैं रास्ते में और रास्ते में गंदगी है दिखाई दी, हम क्या करेंगे, अपना रुमाल निकालेंगे, भाई बदबू आ रही है, रुमाल निकाला नाक पर रखा और साइड से बिना देखे हुए क्रॉस कर जाएंगे। ऐसा तो नहीं सोचेंगे कि ये गंदगी पड़ी है, थोड़ा सा इसको छेड़ करके देखूं, इधर करूं उधर करूं। अगर बहुत अच्छा आता है कि गंदगी से कीड़े फैलेंगे, बीमारी फैलेगी इससे, तो चलो मैं किसी को जो इसके काम के निमित्त है म्यूनिसपालिटी में फोन कर दूं, अपने आप उठवा के ले जाए। फर्ज है, कर्तव्य है, कुछ करना है तो ये कर सकते हैं, नहीं तो कहेंगे चलो हमको क्या है, हम तो एक मिनट के लिए आए, रास्ता क्रॉस किया और आगे बढ़ गए। समझदार तो यही करेगा, और कई ऐसे समझदार बन जाते हैं जो उसको फिर लात लगाते हैं, देखते हैं, लकड़ी लगाते हैं। हम सबको बहुत ध्यान देना है, कोई कुछ भी करे, कोई भी गंदगी फैला के चला जाए, मुझे उसे छेड़ना नहीं, अपना अपनी सेफ्टी रखो, अपने को चेंज करके, अपने रास्ते को चेंज करके आप आगे बढ़ जाओ। अगर मंजिल पर पहुंचना है तो बाबा कितनी बार मुरलियों में ही कह रहे हैं, बच्चे तुम्हें किसी भी साइट सीन को नहीं देखना है। फास्ट स्पीड में जाने वाली आत्मा गाड़ियां बार बार बीच में खड़ी खड़के इधर उधर नहीं देखती, अरे यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, ये नाटक चल रहा है इधर। बाबा कहता, बच्चे तेरे को ये सब मना है, कुछ नहीं देखो, लक्ष्य को देखो, बाबा को देखो, सी फादर फॉलो फादर।
हमको बाबा ने अपना ही सैंपल दिया है, कोई को नहीं कहा इसको देखो उसको देखो, दादियों के लिए नहीं बोला इनको देखो उनको, क्योंकि कई लोगों को उनकी बड़ी विशेषताओं का भी पता होता, छोटी मोटी बातों का भी पता होता है। बाबा कहता किसी को भी नहीं देखो, तुम अपने आप को देखो और अपने बाप को देखो। हमें पास होना है, हमें पूरा बाबा से सर्टिफिकेट मिल जाए कि बच्चा ये बिल्कुल पास होकर के बाबा के पास आया है, धर्मराज के आगे झुकना ना पड़े। तो ये अंतिम पेपर की तैयारी है, आत्मा को हम संपूर्ण वॉइसलेस बना लें। वॉइसलेस में केवल एक पवित्रता की काम विकार की बात नहीं आती है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, कई प्रकार की आलस्य है, अलबेलापन है, आवेग है, बहुत सारे इसके विस्तार, बाल बच्चे बहुत हैं। और इसमें हम अगर चले जाएंगे तो कोई ना कोई तो किसी न किसी के अंदर है, मेरे में जो है उसको देखो और उसके लिए कुछ न कुछ तपस्या करो। तपस्या माना ऐसे नहीं बैठ गए, बाबा कहता दृढ़ता संपन्न संकल्प करो, इस बात को, इस बीमारी को मुझे खत्म करना है। जो आज बाबा के वरदान में था ना, बच्चे रूहानियत को बढ़ाओ, रूहानियत। हमारी सल्ला दीदी क्या कहती थी, नियत में रूह आ जाए। उनका रूहानियत शब्द बड़ा अच्छा होता था, जब भी इस पर उन्होंने क्लास कराया मैं सुनता था, दादी दीदी कहती थी रूह हमारी नियत में आ जाए, इसका नाम है रूहानियत, बहुत अच्छा लगता था। नियत में देह को देखने की नियत बन गई, देह को देखेंगे, रूप रंग को देखेंगे, उसकी पर्सनैलिटी को देखेंगे, उसकी ड्रेस को देखेंगे, उसकी नस्ल नकल को देखेंगे, क्या क्या देखेंगे। और बाबा कहता रूहानियत, जिस्मानियत को समाप्त करो, जहाँ जहाँ जिस्मानी भावनाएं हैं, देह को देखने की, देह के बारे में चिंतन करने की, दैहिक आकर्षण में आने की, बाबा कहता बच्चे इसको परिवर्तन करके सिर्फ आत्मिक स्थिति का अभ्यास कर लो, जितना हो सकता है मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ, बिल्कुल हल्के हो जाओ, लाइट हो जाओ। जब लाइट हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, तो हल्की चीज कहाँ जाएगी, उड़ेगी तो ऊपर ही जाएगी, नीचे तो आएगी नहीं। तो हम सबको अभी बहुत अच्छा उड़ने का अभ्यास करना है, अंतिम समय की तैयारी यही है कि हम सब बिल्कुल न्यारे प्यारे उपराम साक्षी दृष्टा बन जाएं। कर रहे हैं पुरुषार्थ, हो रहा है, ऐसा नहीं निराश उदास होने की जरूरत नहीं है। बहुत से बाबा के बच्चे अभी लग गए हैं धुन में कि मुझे तो बस बाबा को देखना है, बाबा के समान बनना है, सब कुछ अच्छा है, इस नाटक में हमें अटकना नहीं है, बहुत अच्छी स्थिति बना करके चल रहे हैं। हम सब भी इस समय को देखें, बाबा ने चांस दिया है, बहुत अच्छा समय है, बाहर वालों से कोई इतना लेना देना नहीं है, काम थोड़े बहुत घर के करने होते हैं कर लो, सफाई किया, बर्तन मांजे, अपना काम अपने आप किया। बाबा ने ये भी हम सबको पहले से ही सिखा के रखा है। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ सचमुच हमारी दादियों ने हमें सब प्रकार की ट्रेनिंग दे दी, बहुत दिन तक झाड़ू पोछा किया, सब दादियों के दीदियों के क्लासरूम के सब सफाई हमें लोग करते थे, हम खुद करते थे, हमें लोग क्या नहीं करते थे। पता क्या कहती थी दीदी, देखो ये जो माइयां होती ना, ये तो पतित है ना, नहाती भी नहीं है, विकारी हैं, अरे वो हमारे बिस्तर को हाथ लगाए, नहीं नहीं आप भाई समर्पित भाई लोग कमरा साफ करो, क्लासरूम साफ करो, कहीं पर भी कोई मजदूर नहीं आना चाहिए। अब इतनी बोरियां आती थी ना, बहुत बड़े बड़े गेहूं के चावल के बोरियां आती थी, अरे मजदूरों की नज़र नहीं पड़नी चाहिए, नहीं तो बाबा ने कहा है ना अंत में ये लूटेंगे, कोई की नज़र हमारे अनाज पर नहीं पड़नी चाहिए। अब हम लोग जो 15-20 थे मधुबन के भाई, सब बोरियां उठाते थे, और उस समय की सिस्टम पता क्या थी, बिना गेहूं को धुलाई किए हुए पीसा नहीं जाता था, धुलाई करो, जो भी आता था धुलाई करो, और चावल जो आता था उसको चांदनी रात में बिछाओ। हमने कई बार एक दृश्य देखा मधुबन का, पांडव भवन में हम रहे तो चांदनी में हम मान लो चावल बिछा दिया, शांति स्तंभ पर ही बिछाते थे, वही जगह थी, और रात को अगर कहीं बादल आ गए, पहरे वाले ने थोड़ा सा बोला इधर बादल आ गए, और दादी जी को कहीं संकेत मिल गया, बादल दिखाई दिए, तो दादी बाहर निकल के आती थी, अरे अभी घंटी बजाओ,
रात को 1 बजा 1:30 बजा घंटी बजाओ, सब भाइयों को बुलाओ, नहीं तो बरसात पड़ जाएगी तो चावल बह जाएगा, खराब हो जाएगा। अब हम लोगों को 1:30 बजे आकर के सब जैसे थे भागते थे, घंटी बज गई, दादी खड़ी है वहाँ पर, आओ आओ जल्दी जल्दी भरो, बादल आ गए, बरसात पड़ जाएगी, सब उठाओ भरो फटाफट, रातों रात सब अपने कमरों में, उनको कमरों में जहाँ रखते थे वहाँ पहुँचाते थे हम सब, और कोई तो नौकर तो थे ही नहीं। गेहूँ धुलाई किया, धुलाई करके सुखाया, सूख गया फिर भरो, फिर वहीं रखो जा करके, सब काम, सब हार्डवर्क करवाए, हार्डवर्क भी करवाए, और एक एक को सब डिपार्टमेंट में सेवा दी। भंडारे में हम लोगों ने कितने दिन रोटियां बनाई, आटा गूंदा, रोटियां बनाई, धोबी घाट करवाया, कभी कहती थी रात को पहरा दो, पानी गर्म करो, कारपेंट्री में चले जाओ, सिलाई करो, अरे सब कुछ सिखा दिया, ऑलराउंडर बना दिया। अब समय आया है हमारे पांडव भवन में, अगर आप जाएंगे यहाँ शांतिवन में भी, ज्ञान सरोवर में एक नौकर नहीं है, सब भाई लोग सवेरे सवेरे क्लास के बाद लग जाते हैं, सब बर्तन देखो चमक गए, सारा पांडव भवन चमक गया, कोई गंदगी नहीं, इतनी सफाई, इतनी स्वच्छता हो गई, इतनी साइलेंस है, सचमुच ऐसे लगता है बाबा जो कहता था ना ये स्थान लाइट हाउस बनेगा, यहाँ से लाइट जाएगी सारे विश्व के अंदर। तो मैं 3-4 दिन पहले पांडव भवन गया, देखा सचमुच लाइट हाउस, कहीं चूं चाह भी नहीं, क्योंकि बाहर भी गाड़ियां नहीं आ रही, लोग देखने वाले सुनने वाले कोई नहीं, दरवाजे बंद हैं और सब अंदर के अंदर हैं, और भी दूसरा साधन बन गया, सबको मुंह में मास्क आ गया, बोलना भी नहीं किसी से। अरे इतना अच्छा लगा, हमने कहा वाह 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 वाह, तू कहता था ना पांडव भवन तीर्थ स्थान बन जाएगा, सचमुच तूने तीर्थ स्थान बना दिया। अब यहाँ से जो सच लाइट जा रही है, शायद इन्हीं से, इसी से फरिश्तों का साक्षात्कार शुरू हो जाएगा, और जब फरिश्ते रूप का साक्षात्कार शुरू हो जाएगा तो लोग भागेंगे, वो भी दृश्य आएगा। बाबा जो कहता है क्यों लगेगी लंबी लंबी भक्तों की क्यों लगेगी, आपके पास इतनी स्थिति अच्छी चाहिए, इतना खजाना जमा चाहिए, जो कुछ नहीं देखेंगे उनको रोटी खाना नहीं चाहिए, उनको कोई कमरे नहीं चाहिए, कोई उनको बिस्तर नहीं चाहिए, उनको 2 सेकंड 2 मिनट की दृष्टि चाहिए, कुछ एक आधा बोल चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। अब उसके लिए अपने आप को तैयार करो, अंतिम पेपर की तैयारी है, पेपर सिर्फ हमको ही घर जाना ऐसा नहीं है, पहले प्रत्यक्षता तो होने दो, भगवान को हम प्रत्यक्ष करें सब मिल करके, उसकी भी प्लानिंग होनी चाहिए कि हमारे पास इतना योग का स्टॉक हो, इतना अंदर का ज्ञानों ज्ञान धन का स्टॉक हो, इतना अच्छा वरदानों का स्टॉक हो, जो कोई भी आत्मा आए उसको हम नज़र से निहाल कर सकें, उनको हम मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान दे सकें। लेकिन हम पहले मुक्त हो जाए, हम जीवन में रहते उस मुक्ति का अनुभव तो करें, तो हम अंतिम पेपर के लिए अपने आप को तैयार करें। अंतिम पेपर के पहले जो ये प्रत्यक्षता का दृश्य आएगा, अगर किसी ने इस समय को तैयार नहीं किया तो बाबा कहते हैं अंत के समय के 3 दृश्य सामने रखो। एक तरफ तो एक मुरली चलाई है बाबा ने कि बच्चे मेरे घुंघरू पहन करके डांस करेंगे, जिन्होंने पहचाना, समय सफल किया, जीवन बनाई, जिन्होंने हर प्रकार से संपन्न अपने आप को बनाया, भगवान की पालना का रिटर्न कर लिया, वो तो घुंघरू पहनेंगे और डांस करेंगे। और दूसरी तरफ बाबा कहता है बच्चे जिनको संदेश मिला, जिन्होंने अपने जीवन भी समर्पित की लेकिन अपने को बदल नहीं पाए, भगवान की आज्ञाओं की अवज्ञा की है, वो तो फिर खून के आंसू बहाएंगे, पश्चाताप होगा, लेकिन वो दृश्य अधिक बाबा नहीं देखेगा, क्योंकि बच्चे हैं ना, फिर भी तो रहम का दया का सागर है बाबा, विनाश होगा, परिवर्तन हो जाएगा। 3 दृश्य, एक तरफ जय जयकार, दूसरी तरफ हाहाकार, तीसरी तरफ परिवर्तन, प्रत्यक्षता, पश्चाताप, परिवर्तन। अब वो घड़ियां सामने दिखाई दे रही हैं, हम सब बाबा के बच्चे अपने आप को ऐसा तपाएं, बिल्कुल प्योर शुद्ध परख, ये है परख होनी चाहिए, क्योंकि हमारा योग यथार्थ है तो कुछ तो निशानियां दिखाई दें। बाबा कहता है योगी वो है निंदा स्तुति जय पराजय दुख सुख मान हानि हर बात में समान स्थिति बना ले। देखो अगर हमारा योग यथार्थ है तो कुछ भी हो, कोई भी प्रकार के चिंतन में अभी समय न जाए।
न चिंतन करो न चिंता करो, अपनी स्व स्थिति को अंगद के समान अच्छा लाडोल एक रस बना लो। ऐसी स्थिति बन जाए जैसे बिल्कुल बाबा के तरफ। आज बाबा की, दादियों की, बड़ों की महिमा भी बहुत हुई तो कोई ना कोई इनकी करेक्शन किया, कुछ ना कुछ ग्लानी भी कर दी, परवाह नहीं की उन्होंने, बेपरवाह बादशाह होकर के रही। हम सभी भी ऐसे बेगमपुर के बेफिक्र बेपरवाह बादशाह बन जाए। परवाह बाबा की श्रीमत की है, मर्यादाओं की है, बाकी बातों की परवाह नहीं करना है। और दूसरी एक निशानी है, बाबा कहता है योगी वो है जिसके अंग अंग शीतल और सुगंधित हो जाएं। हमारे अंग सुगंधित शीतल, कोई भी प्रकार की उत्तेजना नहीं है, नेचर एकदम सरल, मिलनसार, एक दूसरे को समझ करके, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे करके साथ रहें, एक दूसरे के दिल को लें, पूछें, मिलें, बंधे नहीं, फंसे नहीं, लेकिन हमारा परिवार है, हम सब एक हैं, एक को प्रत्यक्ष करने के लिए हमने जीवन दी है, इसलिए किसी से कोई मनमुटाव हो तो अंत के पहले अपने इस मनमुटाव को समाप्त कर देना। कोई से मनमुटाव नहीं, कोई से टकराव नहीं, कोई की नेगेटिविटी को नोट नहीं करना। बाबा कहता है अगर कोई होगा तो ये स्थान ऐसा है जो उनको रहने नहीं देगा। आप क्यों जवाबदार बनते हो, आप क्यों निमित्त बनते हो, आप शुभ भावना का दान दो, सुधर जाए, बदल जाए, अपना जीवन बना ले। इसलिए हम सब एकता के सूत्र में बंध करके जो दादियों ने सेवाओं का कार्य सौंपा है, हमारी दीदी ने, सला दीदी ने जो इतना सब किया है, अभी सब बहनें मिलकर के उनकी आशाओं को, उनकी सेवाओं को संपन्न करने में सहयोगी बने और मिलजुल करके एक मत होकर के एकता के सूत्र में बंध करके सबको सम्मान देते हुए बहुत निर्माण चित्त स्थिति। क्या बैलेंस है? एक तरफ निर्माण चित्त स्थिति है, दूसरा तरफ निर्माण का कार्य होना चाहिए। निर्माण के कार्य के लिए बाबा ने अपने बच्चों को रखा है, डिस्ट्रक्शन के लिए हम नहीं हैं, डिस्ट्रक्शन कहने वाले बैठे हैं। हम सबको नई दुनिया का निर्माण करने के पहले अपनी स्थिति और अपने साथियों की स्थिति का नव निर्माण करना, अच्छी स्थिति बनाने में सहयोगी बनना है, ये भी निर्माण का कार्य है। तो मैं समझता हूँ वर्तमान समय इस गोल्डन चांस को लेते हुए हम सब तैयार हो जाएं। बाबा को बोलो बाबा जो आपको करना है करो, जिस प्रकार से आपको इस दुनिया का परिवर्तन करना है हम सब तैयार हैं। हमारी तरफ से ये नहीं है बाबा और समय दे दो, थोड़ा और समय दे दो, हम तैयार हैं। तो हम सबको तैयार होकर के अपनी वॉइसलेस स्थिति बहुत लाइन क्लीन क्लियर स्वच्छ सब आकर्षणों से मुक्त एकदम न्यारा प्यारा निर्लिप्त बना करके निर्दोष स्थिति बनानी है। ठीक है, तो आप सभी ने ध्यान से सुना। अभी मैं कहूँगा कि अगर कोई प्रश्न हो, वैसे तो सब प्रसन्न चित्त स्थिति है, हमारी दोनों जोन की बहनें, सब जोन की बहनें, सूरत वलसाड़ की और मणिनगर सब जोन की बहनें आज सुन रही हैं, हम सबसे मिल रहे हैं। अगर आपको कोई बात पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ओम शांति है।